दोस्तों कोमा की कंपनी ने फाइनली दो इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। हालांकि जो प्राइस है उससे मैं उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं। आगे बात करते हैं क्यों नहीं हूं। वैसे तो कोमा की कंपनी काफी समय से इंडियन मार्केट में है, इनका कोई पास्ट ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि फायर से रिलेटेड जो भी शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड इंसिडेंट ऐसे कुछ सुनने को नहीं मिला। टच वुड आगे सुनने को ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस कंपनी के पास ऑलरेडी एन नंबर ऑफ गाड़ियों की वेराइटीज़ है, चाहे वो टू व्हीलर्स हो, चाहे वो थ्री व्हीलर्स हो, चाहे वो क्रूज़र कैटेगरी हो, चाहे वो बाइक कैटेगरी हो, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी कंपनी ने दो गाड़ियों को लॉन्च की है, DT 3000 एंड कोमा के LY। वैसे तो जो 3000 DT 3000 उसमें नाम से समझ में आ रहा है कि 3000 वॉट का BLDC मोटर यहाँ पे दिया गया है कंपनी ने इस गाड़ी को। हालांकि थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यहाँ पे BLDC मोटर है, लेकिन इस गाड़ी में कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो एकदम लोकल ही देखने को मिलती है। लाइक सबसे पहली चीज़ तो इंस्ट्रूमेंटेशन, बेसिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है जो कोमा की दूसरी गाड़ियों में देखने को मिलता है, सेम वही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कंपनी ने बैटरी को थोड़ा इम्प्रूव किया, 60 वोल्ट का 52 एम्पेयर आवर की लिथियम आयन बैटरी यूज़ की है। एंड अगर मैं यहाँ पे किलोवाट आवर की बात करूँ तो 3.224 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है। लगभग आपके 3 से 4 यूनिट लग जाएगी इस बैटरी को फुल चार्ज करने में। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे को लगा वो है इसका रेंज। कंपनी बोल रही है 180 से 220 किलोमीटर का रेंज मिलेगा, क्योंकि ये जो मैसिव बैटरी है पावर के साथ कंट्रोलर के साथ आपको अच्छा परफॉर्मेंस एंड जो रेंज है वो आपको बेहतर देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ तो यहाँ पर आपको 140, 145, 150 इससे ज़्यादा रेंज की उम्मीद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो गाड़ियों में फीचर्स होते हैं वो तो आपको मिलेंगे लाइक एंटी थेफ्ट, IoT अपडेट्स, ये सारे जो फीचर्स है वो तो आपको मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रिमूवेबल बैटरी दी गई है। एंड इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड डेट इज 80 किलोमीटर पर आवर। एंड यहाँ पे आपको चार कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब बात आती है प्राइसिंग की, जो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हाँ यार ये थोड़ा ज़्यादा है, 1,22,000 रुपये। लेकिन कंपनी की जो CEO है उन्होंने कहा है कि इस रेंज को अचीव करने के लिए जो बैटरी यूज़ की गई है, जो मोटर का यूज़ किया गया, इस कारण से इस गाड़ी का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। लेकिन क्या आप खुद ही सोचिए, 1,22,000 इसका एक शोरूम प्राइस है, सब्सिडी मिल गया, बाकी जो RTO जो भी प्राइस सब कुछ मिला के अगर अगेन ये गाड़ी आपको 1,30,000 की पड़ती है तो क्या आप ये गाड़ी लोगे? फिर आपके माइंड में आएगा नहीं यार इसके अलावा तो बहुत सारे ऑप्शन है, 10,000-20,000 रुपये और डालता हूँ तो मेरे को भाई प्रीमियम गाड़ी देखने को मिलती है, तो फिर मैं ऐसी गाड़ी क्यों लूँ जिसमें कुछ बेसिक ही चीज़ें देखने को मिलती है, लाइक आपको वही डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, बार वाले इसमें बैटरी इंडिकेटर्स। इससे अच्छा तो एथर या TVS iQube या ओला जैसी गाड़ी ले लो जिसमें मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल, ऐसे सारे फीचर्स मिलते हैं, तो फिर इस गाड़ी को क्यों परचेस करो? तो ये माइंड में भी आता है। तो बोल सकते हो कि हाँ फीचर्स तो है, लेकिन एक्चुअल में जो फीचर्स चाहिए ना लोगों को वो नहीं है। लाइक टच स्क्रीन होना चाहिए था अगर 1,00,000 के ऊपर की गाड़ी है तो। अब बात करते हैं जो दूसरा वेरिएंट है, दैट इज कोमा के LY। इसका प्राइस है 88,000। अब प्राइस देख कर समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ कम हैं, जैसे कि यहाँ पे जो रेंज है वो कंपनी बोलती है 70 से 90 के बीच में आपको मिलेगी। बट आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, इन गाड़ियों के जो रेंज होते हैं वो ज़्यादातर 60 से 65 तक ही मिलते हैं, मैक्स टू मैक्स गया तो 70, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जो बैटरी यूज़ हुई है दैट इज़ 1.5 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी। एंड यहाँ पे आपका जो यूनिट कंज्यूम होता है दैट इज़ 1.5 यूनिट बस, उससे ज़्यादा नहीं। रिमूवेबल बैटरी है। गाड़ी का डिज़ाइन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही नॉर्मल है, डेली यूज़ के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। अगर आपको इन गाड़ी को चेकआउट करना है तो ज़रूर कर सकते हैं इनके शोरूम में जाके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये गाड़ी नहीं लेना चाहिए, ये गाड़ी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि कोमा के काफ़ी समय से इंडियन मार्केट में एंड काफ़ी लोगों को पसंद भी आती है गाड़ी। ये बेसिकली उन गाड़ियों से कंपटीशन करती है, लाइक हीरो इलेक्ट्रिक की जो गाड़ी होती है ना उनसे कंपटीशन करती है, ओकिनावा की जो गाड़ी होती उनसे कंपटीशन करती है, तो ये उस टाइप की कैटेगरी की कंपनी है। अगर आपको प्रीमियम गाड़ी लेना है तो बहुत सारे ऑप्शन है, अगर लो कैटेगरी में लेना है तो आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है।
उसमें से आप इसको भी एज अ चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। ये दोनों गाड़ियाँ आ चुकी है इंडियन मार्केट में। अगर आपको परचेस करना है, टेस्ट राइड लेना है, तो ज़रूर लीजिए। छोटे एरिया में आई थिंक ये शोरूम आपको मिल जाएगा। अगर आपके एरिया में एथर या बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं हैं, तो फिर आपके पास तो ओला और जो लोकल ब्रांड से वही है, तो उसमें से आपको जो चूज़ करना है वो कर सकते हैं। फिलहाल ये गाड़ी अच्छी है, बुरी नहीं है, अच्छी है, कंसिडर कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छे तो प्लीज़ शेयर कर देना। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।